हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप जावा का सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले आपको माय कंप्यूटर को राइट क्लिक करके आपके सिस्टम कितने बिट की है ये पता करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे सिस्टम 32 बिट की है, तो मुझे 32 बिट का सॉफ्टवेयर लगेगा। अगर आपके 64 बिट है तो आपका 64 बिट का सॉफ्टवेयर लगेगा। चलिए अभी अंदर चलते, देखिए मेरे पास यहाँ पे दोनों है, 32 बिट और 64 बिट। इसमें से मैं 32 बिट सिलेक्ट करता हूँ। आप इसे राइट बटन क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर सिलेक्ट कीजिए। देखिए जैसे आ गया, अभी आपको नेक्स्ट करना है। अभी नेक्स्ट कीजिए, वापस नेक्स्ट। यहाँ पे थोड़ी देर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी आपको यहाँ पे एक एम्प्टी फोल्डर के लिए, मतलब आपके जहाँ पे आप जावा इंस्टॉल कर रहे हैं सी ड्राइव में प्रोग्रामिंग फाइल्स में, वहाँ पे जाके आपको एम्प्टी फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा और उसके बाद वहाँ का पाथ सेट करना पड़ेगा। देन उसके बाद आप आगे का इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर सकते हैं। अभी यहाँ मेरे यहाँ पे तो इंस्टॉलेशन हो चुका है, इसलिए मैं इसको स्किप कर दूंगा। तो ठीक है, अभी मैं इसे कट कर देता हूँ। इसके बाद आप इसे क्लोज कर दीजिए। अभी हमें इक्लिप्स इंस्टॉल करना है। एक्लिप्स के भी दो वर्जन आते हैं, एक 32 बिट है, एक 64 बिट है। तो अभी आप 32 बिट को इंस्टॉल करेंगे। इसके लिए हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये जिप फाइल है। तो देखिए यहाँ से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ये एक्सट्रैक्ट का बटन, इसको दबाइए। यहाँ पे मेरी एक्सट्रैक्ट हो रहा है, तब कंप्लीट हो चुकी है। करना पड़ेगा, अभी ये फोल्डर ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपको इक्लिप्स नाम का आइकॉन है, उसको सिलेक्ट करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे इक्लिप्स ओपन हो रहा है। आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। अभी आपको यहाँ पे ओके करना है। इसके बाद अभी आपका एक क्लिप्स ओपन हो चुका है। अभी ये मेरा पहले का कोड है, इसलिए यहाँ पे दिख रहा है। आपको न्यू प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। इस तरीके से आप जावा का सॉफ्टवेयर और इक्लिप्स इंस्टॉल कर सकते हैं। ये प्रॉपर इंस्टॉलेशन के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं।